हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद जी के बारे में और हमने इनका जीवन परिचय देख लिया था। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इनकी रचना ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, यानी कितनी सुंदर सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांवों में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक किसी ने नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की तो खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं का क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों वधास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी जेब में तो हुबैर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी उनका देहांत हैजे से हो गया, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसकी अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसकी अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब दिखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, अर्थात उसकी जो उम्मीद है वो सभी विपत्तियों का नाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी उसे डर लग रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना ने उसे यों ना जाने देगी।
नन्ही सी चांद, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर में उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे हित का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फरमिन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान से की तरह बचाती चली जाती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़े किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में से तो जैसे पड़ लगे थे। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया, सड़क के चारों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों के आम और लीचियाँ लगी हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता और निकलता। लड़के वहाँ से एक फलांग पर थे, खूब हंस रहे थे, माली को कैसे उल्लू बनाया। हमने इस कहानी का एक छोटा सा भाग पढ़ा है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका अगला पार्ट। टिल देन कीप स्टडी, थैंक यू सो मच।